हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मेरे पास में आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्लास टेंथ के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट सी और थोड़ी सी दुख देने वाली आप लोगों को एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि यार, आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है ना इंग्लिश सब्जेक्ट का, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो चेंज कर दिया है CBSE ने। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, SST का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, साइंस का, इन सभी का पेपर पैटर्न सिमिलर सा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्टिव हैं। तो इसके अंदर नई बात क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने देख रखे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आंसर है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर है वो है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के बारे में बात करूं उससे पहले, अगर आपने सैंपल पेपर नहीं देखा है इंग्लिश का, तो एक बार जाकर इंग्लिश का सैंपल पेपर देख लेना कि कैसा पेपर बनाया है उन्होंने। तो अब अगर मैं बात करूं उनके पेपर पैटर्न की, तो जो पेपर पैटर्न है ना वो थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को सारे जो एक तरीके से अनसीन पैसेज है वो MCQ में मिल जाएंगे, 20 MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में जो आप लोगों के पास में राइटिंग या फिर ग्रामर वाला सेक्शन है, वहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर उसके बाद में जो अगर बात करूं लिटरेचर की, लिटरेचर के अंदर भी ऑब्जेक्टिव। तो मतलब पूरा पेपर पैटर्न इन्होंने एक तरीके से मैशअप कर दिया, पूरा पूरा मिक्स करके नया आपको दिया है कि लो बच्चों अब इसको करना है। तो अब आपके आधा टाइम तो निकल चुका है, हाफ ईयरली निकल चुके हैं, और फिर उसके बाद में अब आपको पता लगता है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। देखो, इसके अंदर चिंता वाली कोई भी बात नहीं। आज हम इस पूरे पेपर पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर आप इसे ध्यान से समझोगे ना तो आपका जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आप मान लो कि 60-70 स्कोर करोगे, इसके बाद में आप हो सकता है कि 80-90 भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे, देन फिर उसके बाद में आप फ्लाइंग कलर्स के साथ में अपने मार्क्स को लेकर के आओगे। तो फिर चलो जल्दी से स्टार्ट कर। तो देखो, बेसिकली जो नंबर हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं है, 80 मार्क्स का टोटल है और उसको 3 घंटे का टाइम है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है ना वो आपको पता लगेगा, लेकिन इसका बेसिकली बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर। ये 3 सेक्शन है। अब इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, शायद वो आप भी करते होंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, रीडिंग वाला, ग्रामर वाला, लिटरेचर वाला, तीनों में से कौन सा अटेम्प्ट करते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर ये होता है कि भैया हम तो रीडिंग ही करते हैं, क्योंकि जाते ही पेपर खोलते हैं और हमें रीडिंग सेक्शन मिल जाता है। तो देखो, यहां पर ही सबसे बड़ी गलती होती है। अब गलती क्या होगी और कैसे होगी देखना ध्यान से। जब आप इस पेपर को सॉल्व करोगे, तो एक बार सॉल्व करना इसको सीधा रीडिंग सेक्शन से, तो आप क्या करोगे कि आपका पूरा फॉर्मूला ये रहता है कि आप इस पैराग्राफ को पूरा रीड करते हो, इसको पूरा रीड करते हो, ठीक है। इस तरीके से रीड करके आप फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हो। जैसे कि इसके अंदर कहा गया कि व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन इंस्पायर एव इन ह्यूमंस, ठीक है। अब आप यहां पर इसमें पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है, तो अब आप इसके अंदर ढूंढोगे कि यहां पर ये वर्ड आ गया, अब इस लाइन को ऐसे सर्च करोगे, ठीक है। तो अब आपका होगा क्या कि आपको ये लाइन सर्च करने के लिए ना टाइम लगेगा, ठीक है, ये टाइम लगेगा, और फिर 2 बार टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार तो आप इसको पढ़ोगे, फिर उसके बाद दूसरी बार इसमें फाइंड आउट करोगे। और कुछ कुछ लीजेंडरी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसी वर्ड को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोनों तरीके बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्यों नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि CBSE को पता लग गई ये बात कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और उसको पेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, पूरा इसका क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। आपको जैसे कि अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने शायद ही देखा होगा जिसके अंदर कि कहा गया कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। अब ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको एग्जाम के अंदर समझ में नहीं आएगा कि पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन द ग्रेटर द थ्रिल। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका देखो, ये पैराग्राफ 1 का क्वेश्चन है। अब आप जैसे इसको ढूंढोगे आपको ये लाइन तो मिल जाएगी इसमें, लेकिन अब उसके बाद में करोगे क्या, इसमें तो नीचे तो कुछ और ही दिया हुआ है। इसके अंदर दिया हुआ है कि द हायर द स्टेमिना द लोअर द फूड इनटेक, द मोर यू लाफ द लेसर यू इलनेस। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इसको समझना होगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीके का, इसमें कहा गया कि द मोर इनक्रेडिबल है और यहाँ पर ग्रेटर, तो इन दोनों के जैसा जो रिलेशन है उसी को ही आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, मतलब यहां पर ये कि आपका कॉपी पेस्ट वाला काम जा चुका है।
तो कॉपी पेस्ट से कुछ भी नहीं होगा और आपका इसके अंदर जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपना लिटरेचर पार्ट करा करो, क्योंकि लिटरेचर जो है ना वो बिल्कुल भी धोखा नहीं देती। रीडिंग सेक्शन CBSE के हमेशा ही धोखा देते हैं, रीडिंग सेक्शन सबसे टफ आते हैं और उनके अंदर ना जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़े अटपटे होते हैं। तो आप वो आपके साथ में ना हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिटरेचर कर लेना, फिर उसके बाद में जाकर के अपनी ग्रामर करो तो ग्रामर कर लेना या फिर राइटिंग कर लेना, और लास्ट के अंदर अपना वो करना अपने हिसाब से रीडिंग वाला, क्योंकि रीडिंग वाले के अंदर टाइम लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक पेज का तो आपके पास में पूरा पैराग्राफ रहेगा, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखना। और देखो उसी के साथ में मेरे को कुछ कुछ ऑप्शंस भी ऐसे मिले, जैसे कि इसके अंदर कहा गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द राइटर प्रोजेक्ट। अब भैया आपको राइटर के प्रोस्पेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि आप ही राइटर हो, आप ही उसमें लिखो। तो अब जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट। अब इसका मतलब क्या है भैया, तो आपको यहाँ पर इसको समझना होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो ये तो सबसे बड़ा चेंज हो गया कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कॉपी पेस्ट वाले नहीं आने वाले। और फिर जो इसका पैराग्राफ सेकंड है ना वो भी इतना ही बड़ा रहेगा, आपके पास में 10 नंबर का रहेगा। उसके अंदर जो चेंज है वहां पर वो ये है कि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी के जैसे हैं। इन दोनों में कोई भी ज्यादा कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाएंगे, तो वो आपको थोड़े वहां पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। देन फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहां पर ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन को देख करके भी मेरे को लगा था कि यार ये कैसे क्वेश्चन दे दिए, बच्चे तो इसको देख के ही डर जाओगे। जब आप किसी क्वेश्चन को देख के डर जाते हो ना तो क्वेश्चन और डराता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना ही नहीं है, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये होंगे बहुत आसान। CBSE आप लोगों को है ना ऐसा लग रहा होगा कि यार भैया हमने ना साइंस का सैंपल पेपर देखा वो भी नहीं हुआ, मैथ्स का पेपर देखा वो भी इन्होंने टफ दे दिया, और उसके बाद में SST का देखा तो उन्होंने तो इसमें बहुत ही खतरनाक सा काम कर रखा था। तो भैया हमें लगता है कि हमसे पेपर वेपर नहीं होने वाले। तो देखो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, CBSE हर साल ऐसा मजाक करती है, और जो पेपर आता है ना आपका जो रियल पेपर होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड स्वीट होने वाला, बहुत ही सिंपल रहेगा, बहुत ही स्वीट रहेगा, क्योंकि CBSE आप लोगों को चाहता है कि देखो ये डिफिकल्टी लेवल भी आ सकता है, लेकिन वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि CBSE बस आपको डरा करके पढ़ाना चाहता है। तो उससे डरो मत, लेकिन इस पेपर पैटर्न को तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। और फिर इसके बाद में देखो इसके साथ में कुछ कुछ आप लोगों को इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स मिलेगा आपको पैराग्राफ। उसके बाद में आएगा आपके पास में सेक्शन बी जो कि ग्रामर का रहेगा, 10 नंबर का है, और इसमें जो क्वेश्चंस है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके बच्चे खुश हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यही तो नहीं चाहिए था बस CBSE की तरफ से, ये वाला गिफ्ट नहीं चाहिए था हमें कि ग्रामर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, क्योंकि ग्रामर के अंदर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि इसके अंदर ब्लो हो गया ब्लू हो गया। अगर हमें पता होता कि सब्जेक्टिव था और ये ऑप्शन नहीं देते तो हमारे हिसाब से हम लिख देते इसके अंदर ब्लू या फिर ब्लो, जो भी लिखते हम लिख देते। लेकिन इसमें क्या ये ऑप्शन देख करके हम कंफ्यूज हो जाएंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसमें, ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक नेगेटिव लगा कि यहाँ पर इसके अंदर ब्लो देखेगा ब्लू देखेगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसके अंदर देखेगा इज ब्लोन विल बी ब्लोन। अगर जिसने अच्छे से पढ़ रखा है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा उससे यहाँ पर गलती होने के चांसेस है, और जिसने पढ़ भी रखा होगा ना उसको भी यहाँ पर डाउट आएंगे। तो जब कभी भी डाउट आते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। देन फिर इसके बाद में आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस है जिसके अंदर के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पूरी पूरी ग्रामर जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड ही, मतलब ऑब्जेक्टिव ही मिलने वाली है आपको। और फिर इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट में मैं बताता हूँ वो आती है आपके पास में राइटिंग। देखो अब राइटिंग जो है ना क्रिएटिव राइटिंग स्किल चाहिए इसके लिए। अब इसके अंदर जो सबसे पहला जो मैंने देखा था वो जो परेशान करने वाली बात थी, एक क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन तो आपके पास में आएगा लेटर का, जो कि लेटर एडिटर को रट जाना, उसकी स्टार्टिंग की एक लाइन होती है ना वो तो एकदम से कॉपी पेस्ट करके आ जानी, और इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एज इट इज पहले पेपर आता था वैसे ही आएगा। लेकिन इसमें जो नई बात आई है ना वो आई है यहां पर आपके पास में स्वॉट वाला, स्वॉट नोट्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो ये यहां पर आप बोल सकते हो कि भैया ये सिलेबस में चेंज हो गया, तो यार मतलब ये चेंज ही है थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस में बताया था, लेकिन
पहले कभी ऐसा नहीं आया था, तो आपको पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर के इसमें कोई हिंट वगैरह नहीं मिलेंगे। और इस पेपर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी काम के नहीं रहे, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपको एज इट इज़ जो हमारे लिटरेचर वाला पार्ट है ना, वो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंज कराए, जैसे कि आपको यहाँ पर एक पैरा दे दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जितनी भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लिटरेचर के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। मैं तो ये चाह रहा था कि पूरी पूरी लिटरेचर कोई ऑब्जेक्टिव कर देते, ग्रामर को और राइटिंग को आप लोगों को दे देते, रीडिंग भी दे देते कि आप कॉपी पेस्ट कर लेते, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया। समझ गए हमारी बात, अंदर से समझ गए ये लोग। और फिर इसके बाद में इसी तरीके से आपको और वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बाकी सब पेपर ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें पेपर पैटर्न में चेंज कराए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, जिससे कि बच्चों को डर लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट रहेगी ना, नोट्स की हो गई या फिर क्वेश्चंस की हो गई, वो सब मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, जब भी दे पाऊंगा, जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे। अब बोलोगे भैया सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपके अकाउंट में हाथों हाथ रुपए आ जाएंगे, अभी आपके पास में 142 है ना, तो जैसे हम करेंगे ना तो पैसे आ जाएंगे। देखो पैसे इससे नहीं आते, पहले बता देता हूँ। सब्सक्राइब आप लोगों के लिए होता है, जैसे कि कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसका आपको पता लग जाएगा कि यार आप लोग उसे पहले देख लो कि उससे आपको जल्दी पता लग जाएगा, इसीलिए होता है सब्सक्राइब का। तो सब्सक्राइब कर लेना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा है कि आपको इसमें तीन क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसमें से कोई भी एक या फिर दो क्वेश्चन करना होगा आपको। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा काम दिया हुआ। देखो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर ना आपकी चॉइस रहेगी, जैसे कि मान लो कि पांच क्वेश्चन है। अब मान लो कि आपको इसी के अंदर ही अगर और चॉइस दे दी जाती और ये क्वेश्चन मिक्स्ड हो जाता और फिर उसके बाद बोल देते कि हमने तो और चॉइस दे दी, लेकिन आपको ये आता ही नहीं था, ये वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ के गए थे, दोनों क्वेश्चन इसी से आ गए, तो आपको क्या करोगे? तो आपसे वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात इन्होंने बुद्धि वाली बात करी है, वो ये है कि सभी से अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन दे दिए और फिर उसके बाद बोलते कि आपकी जो मर्जी हो ना, वो कोई से भी चार क्वेश्चन कर लो, पांच में से चार क्वेश्चन करने हैं आपको। वो बहुत ही अच्छा काम लगा मेरे को कि इन्होंने ना ये दे दिया कि आपको यार फ्रीडम है कि जो आपको चैप्टर आते हैं उसी में से करो, नहीं आता उसको छोड़ दो। और फिर इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी यही है कि आपको कोई से भी दो करने, एक क्वेश्चन को छोड़ना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर ये और वाला दे देते ना तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती थी, तो लेकिन इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा। तो इस तरीके का आप लोगों का पेपर पैटर्न था। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है कि भैया इसका सॉल्यूशन भी बता दो, तो इसकी आपको वीडियो का जो लिंक है ना वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। आई होप कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि उनको भी पता लगे, और बाकी के जैसे कि SST का ब्लू प्रिंट एक बार जरूर से देख लेना, साइंस का, मैथ्स का, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।